कौन सा? आर एंड एस सिस्टम। आर और एस सिस्टम में हमने चार रूल्स डिस्कस किया फाइंड आउट करने के लिए। पहला कौन सा था? लिस्ट प्रायोरिटी है बॉटम, करना क्या है 1 2 3 रोटेट करना है। सेकेंड रूल्स लिस्ट प्रायोरिटी है टॉप, रोटेशन 1 2 3। नेक्स्ट क्या था? लिस्ट प्रायोरिटी है राइट साइड, तो राइट साइड को हमेशा कहां पर लेकर आना है? बॉटम पर लेकर आना है, कंपल्सरी कंडीशन, ठीक है। और बॉटम पे लाने पे याद रखने का टॉप पोजीशंस पे जो होगा उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। जो भी वहां पे डायरेक्शन निकल के आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अनुसार हम लोग आंसर पुट अप कर देंगे। क्लॉकवाइज के लिए आर फॉर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस फॉर। फोर्थ रूल कौन सा था? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लेफ्ट साइड, ठीक है। इतना ही पॉइंट था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, राइट। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये टोटल पॉइंट पर चार रूल्स हो गए। अब इस पे मेन जो रहता कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और देखो इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर एंड एस सिस्टम के, ठीक है। यहां पे पुट अप करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन लिखा के, यहां पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। देखो इस पॉइंट ले लिया, ऐसा बुक ले लेते, ठीक है। यहां पे सॉल्व करना है सभी को, ठीक है। कौन ले लिया? CH2OH, ठीक है। इधर पुट कर लेते हैं हम लोग, कौन सा ले लिया? CH3। इधर ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर ले लेते हैं क्लोरीन। हाँ, सॉल्व कर सकते हो क्या सभी लोग? चलो सॉल्व करना शुरू करो इस क्वेश्चन को। चलो देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर ध्यान से बोर्ड को देखो सभी लोग, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो इसके पास आप लोग एक एक्स्ट्रा मतलब एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए एटॉमिक नंबर पहले मार्क करेंगे। एटॉमिक नंबर कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा? 1। क्यों? यहाँ पे क्लोरीन से लिंक है, इधर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन। तो ध्यान से रहो, हमें देखना है फर्स्ट एटम क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो इसमें ये तो 1 हो गया, हाइड्रोजन स्पॉट आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब इस दोनों में देखते हैं हम लोग, तो इस दोनों थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मेट और भी लिखे आते हैं हम लोग यहाँ पे। इधर पुट कर दिया हाइड्रोजन, इधर कौन सा? क्लोरीन, CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, राइट। इधर आ जाओ CH2H में, इधर पुट कर लेते हैं कार्बन H, इधर कौन सा? OH, राइट। अब देखो इस पॉइंट पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, क्लोरीन का 1 हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन का 4 आ गया, सबसे कम। अब इस दोनों में देखो ध्यान से, देखो सेकेंड और थर्ड को कैसे फाइंड कर रहे। ये दोनों कार्बन और कार्बन सेम है, हाँ बीच में बोला नहीं करो, ठीक है। तो देखो इधर, यहां पे कार्बन और कार्बन सेम है। अब इसका नेक्स्ट एटम इस पॉइंट पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इससे डिसाइड को कार्बन से डिसाइड नहीं कर सकते, इसको कट कर दो। हाइड्रोजन से डिसाइड नहीं कर सकते, यहां पे इसको कट कर दो। इस H ये भी कॉमन है, इसे भी कट कर दो। तो ये तीन एटम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट एटम कौन सा? यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे कौन सा? ऑक्सीजन। तो दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसका प्रायोरिटी कम, ठीक है।
तो कोई इरर है क्या? देखो लेट से तुम लोग आते हो, राइट। तो देखो इस पॉइंट पे जो प्रायोरिटी की बात करते हम लोग, तो ऑक्सीजन इसका प्रायोरिटी कौन सा आएगा? 2। और इसका प्रायोरिटी कौन सा होगा? 3। ध्यान देखो, क्लोरीन का वन आ गया, फिर कौन सा आ गया? ऑक्सीजन को देखते हुए सेकेंड, हाइड्रोजन थर्ड, इधर H4। ठीक है, कार्बन से लिखता है यहाँ पे। अब इसका जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से पुट कर लेते। तो यहाँ देखो ए डायग्राम ले लिया, क्लोरीन का यहाँ पे 1 पोजिशन, इधर कौन सा था? 3, 2 इस पॉइंट पे 4। अब ये बताओ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन से पोजिशन पे प्रेजेंट है? टॉप पोजिशन पे। तो कौन सा रोल? सेकेंड नंबर, सेकेंड रोल्स। तो रोटेशन क्या करना है? 1, 2, 3। 4 को देखना है क्या? यस और नो? नहीं देखना है, तो 4 को हटा दो। 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 को लेते हुए 3 की ओर मूव करेंगे, यस और नो? मूव कर रहे हैं। तो बोलो डायरेक्शन कौन सा आ गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया कि नहीं? कौन सा डायरेक्शन आया? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म होता? आर फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज आर फॉर्म। क्लियर है सभी का? कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो अंबरीश का आने का लेट हमेशा रहता सिस्टम, क्या करते हो जी घर पे? हमेशा जल्दी आया करो, तब तो कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा। हो गया सर का नाम? थोड़ा सा राइट में ले लो सर, क्या मैडम थोड़ा सा राइट में ले लो सर। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा हो गया सर का नाम? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। देखो इधर पुट कर दिया, यहाँ पे ले आए, एक पुट कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप ले लिया हम लोगों ने? CHO। ठीक है, और दूसरा कौन सा ले लेते हैं? CH2OH। ठीक है, इधर पुट कर दिया कौन सा? हाइड्रोजन। इधर पुट कर लेते हैं फ्लोरीन। हाँ इसे फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं राइट? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखो, बताना है आर फॉर्म होगा या एस फॉर्म होगा। चारों रूल्स में चेक करना है कौन सा आएगा। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे हम लोग, तो चलो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। देखो ध्यान से इधर इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे समझने के लिए। एक ग्रुप आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये तो फिक्स हो गया। CH2OH में आ जाओ, इधर CHH, यस और नो? इधर कौन सा? OH, राइट। अब इधर देखो CHO, CHO को ऐसा लिख सकते हम लोग, C डबल बॉन्डेड OH लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा याद करना ENZ सिस्टम में, ठीक है, ENZ सिस्टम में क्या बताए थे कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देते क्या, प्रायोरिटी को डिस्कस करने के लिए। सिर्फ तो यहाँ पे तो कार्बन था, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इधर लिख दिया, एक ऑक्सीजन इधर लिख दिया। क्लियर है सभी का? जहां पे डबल बॉन्ड था उसको दो पार्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक ऑक्सीजन से इधर लिंक कर दिया, एक इधर लिंक कर दिया, क्योंकि इसका कंपेरिजन हमें इससे करना है, तो इससे करने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। चलो हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट एटम चेक करो, पहला यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे फ्लोरीन, कार्बन कार्बन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? फ्लोरीन का, इसका प्रायोरिटी 1।
अब कौन सा आएगा, दो कार्बन लगे तो ये सेकेंड और थर्ड कोई भी एक हो सकता है, हाइड्रोजन तो फोर्थ ही होगा ना, तो यहां पे इसको फोर्थ लिख दो, हाइड्रोजन फोर्थ। अब इस दोनों को डिसाइड करना है कि सेकेंड कौन सा होगा, राइट। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, डिसाइडिंग फैक्टर है क्या? नहीं, इसको कट करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पे एक हाइड्रोजन, एक यहां पे हाइड्रोजन मैच कर रहा है क्या, इसे भी कट कर दो, ये भी नहीं होता। अब इधर आ जाओ, इधर एक हाइड्रोजन, यहां पे कौन सा, ऑक्सीजन, ये प्रायोरिटी इसका ज्यादा हुआ क्या, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से मैच कर रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं किस ऑक्सीजन की वजह से इसका प्रायोरिटी कौन से नंबर पे होगा, सेकेंड नंबर पे। यहां पे इस हाइड्रोजन से कौन सा नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। देखो सी एच ओ ग्रुप था, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, दो सेपरेट पार्ट में करना है, तो यहां पे दो सिंगल बॉन्ड बना लिया, दो ऑक्सीजन लिख दिया। याद रखने का ये हाइपोथेटिकल रूल्स है, कहीं और जगह पे अप्लाई नहीं करना है, ओनली प्रायोरिटी चेक करने के लिए करते, ठीक है। हाइपोथेटिकल समझना के रूल से, ठीक है। देखो ये दो हमने यहां पे डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन करना था यहां पे। अब यहां पे देखो एक एक आइटम करके मूव करेंगे, इस पॉइंट पे कार्बन, यहां पे कार्बन, दोनों क्या है सेम, डिसाइड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आइटम देखने का, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, डिसाइड होगा क्या, नहीं होगा। इस पॉइंट पे ऑक्सीजन, इस पॉइंट पे भी ऑक्सीजन, सेम हो गया, यहां से डिसाइड नहीं होगा। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा मिला ऑक्सीजन का, इसलिए इसका प्रायोरिटी सेकेंड, इसका प्रायोरिटी थर्ड, क्लियर है। अब देखो ये जो पॉइंट आया है यहां पे, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म पे लिखते हम लोग, यहां पे पुट कर लेते, तो प्रायोरिटी हाइड्रोजन का फोर्थ पोजीशन, यहां पे वन पोजीशन, इधर कौन सा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, इधर कौन सा पोजीशन आया, थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब रूल्स याद करो, कौन सा रूल्स लगाना पड़ेगा, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड लेफ्ट साइड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉटम पे लाना होगा, तो फोर्थ को बॉटम पे लाएंगे, थर्ड कहां पे आएगा, सेकेंड पोजिशन पे आएगा, सेकेंड कहां पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, आएगा कि नहीं, राइट। अब चलो इसे हम लोग इधर मूव करते हैं, तो यहां पे मार्क करो इस तरह से। अब यहां पे पोजिशन नंबर पुट करो, फोर्थ थ्री की जगह पे, तो यहां पे फोर लिख दो, बॉटम पे आ गया। थर्ड कहां पे आ गया, राइट पोजिशन पे, सेकेंड फोर्थ की जगह पे, और सभी को याद है ना, जो टॉप पे होता है उसे डिस्टर्ब करना रहता है क्या, यस और नो, टॉप पे डिस्टर्ब होता है क्या, नहीं होता है, ये वन नंबर पे आ गया। अब चलो हमें रोटेशन क्या करना है, वन टू थ्री फोर्थ किसी पोजिशन पे आ जाए, हमें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो फोर को नहीं देखना है, वन से स्टार्ट करेंगे, टू पर लेते हुए थ्री की ओर मूव करेंगे, तो बोलो कौन सा डायरेक्शन आ गया, हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, एंटी क्लॉकवाइज आए क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर, एस फॉर, तो डिसकंपाउंड एस फॉर, क्लियर सभी का, ये तो आ गया एस फॉर निकल के आ गया, राइट, समझ में आया सभी को, चलो नोट करो अच्छे से इसको, और इसको ठीक है अच्छे से समझ लेने का। नोट करिए सही लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे अनल मार करते हम लोग, ठीक है, और इस पॉइंट पे पुट करते कौन सा सी डबल बॉन्डेड ओएच, इधर पुट कर लेते हम लोग सी एच ओ, ठीक है, इधर कौन सा ग्रुप ले लिया जाए, ऐसा ले लेते हैं सी ओ ओ सी एच थ्री, ठीक है, और इधर कौन सा ग्रुप ले लेते हम लोग ओ एच, ये सुनो। अब इसको फाइंड करना है, कर सकते हैं क्या, आर या एस कौन बनाना है, ठीक है, बस प्रायोरिटी चेक करना है, रूल्स कॉमन है, प्रायोरिटी देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ चलो चेक करते हैं इसका, हम लोग चेक करें, देखो ध्यान से बोल कर सभी लोग समझो, पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस तरह से पुटअप करते, देखो यहाँ पे जो मैंने इस फॉर्मेट में कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा सी डबल बॉन्डेड ओ एच, राइट, इधर एल्डिहाइड सी डबल बॉन्डेड ओ एच, इधर जो इस्टर कौन सा सी डबल बॉन्डेड ओ, इधर कौन सा आ गया ओ सी एच थ्री, इधर कौन सा ओ एच ओ एच, राइट, क्लियर है। अब यहां पे जो है इस पॉइंट पे इसको हमें फर्दर थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, यहां से बना सकते हो, ठीक है, यहीं से बना लेगा क्योंकि बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, चलो इसको यहीं से बना सकते हैं हम लोग। देखो इस पॉइंट पे फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, यहां पे कौन सा कार्बन कार्बन कार्बन, बोलो चारों में प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देना चाहिए, हाँ बोलो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, वेरी गुड, ओएच, ये वर्क हो गया। अब इस तीनों में बोलो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आएगा, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा होगा, हाँ जल्दी बोलो, यस ईस्टर ग्रुप, वेरी गुड, सी ओ ओ सी एच थ्री, क्योंकि देखो अब इसको समझते हम लोग, इधर कार्बोनाइल ग्रुप सी ओ ग्रुप, यहां पे भी सी ओ ग्रुप, यहां पे भी सी ओ ग्रुप, तीनों कॉमन है तो यहां से डिसाइड नहीं कर सकते, इसको यहां पे कट करते जाओ, ये कार्बोनाइल ग्रुप से डिसाइडिंग नहीं होता, राइट, तो डिसाइड किससे होगा, नेक्स्ट एटम, यहां पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दो ऑप्शन ये तो डिसाइड नहीं करता, इसका ज्यादा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, कम हो गया क्या, हुआ कि नहीं, तो सबसे कम किसका, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे फोर्थ पोजीशन मिल गया, राइट। अब इस दोनों में सेकेंड थर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, हाइड्रोजन, तो कार्बन की वजह से कौन सा सेकेंड और हाइड्रोजन की वजह से कौन सा थर्ड, क्लियर है सभी का। अब चलो इसको इधर पुट अप कर लेते हम लोग, तो इधर देखो यहाँ पे जो ग्रुप मिल गया तुम्हारे पास OH वन पोजिशन, सेकेंड ईस्टर ग्रुप आ गया और थर्ड कौन सा एसिड ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप फोर्थ में आ गया, राइट। अब देखो रूल्स नंबर फोर, फोर्थ कहां पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, राइट साइड पे, तो कहां पे लेकर आएंगे, बॉटम पर लेके आएंगे, तो लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे लाओ, सेकेंड वन पोजिशन पे आ गया, वन कहां पे आएगा, थ्री पे आएगा, कहां पे आएगा वन, फोर्थ पे आएगा। अब इसको इधर से पुट अप करते हम लोग, तो इधर पुट कर लो जो ग्रुप आ गया फोर्थ बॉटम पे आ चुका है, सेकेंड वन पोजिशन पे आ गया और वन यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे थर्ड हो गया, तो अब बोलो फोर्थ कहां पे, बॉटम पे है, तो रोटेशन कौन सा, वन टू थ्री, फोर्थ को देखना होता है क्या, नहीं, बंद कर लो इसको। अब वन के बाद टू आएगा फिर थ्री आएगा, तो वन से स्टार्ट करना है थ्री को मूव करना है, इसको नहीं देखना है, पहला वन फिर टू फिर थ्री, तो बोलो वन टू
फ्री का नेचर आ गया, तो कौन सा फॉर्म आ गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट करते क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म होगा, आर फॉर्म। इधर मार्क करो आर फॉर्म, लिख सकते सिंपल सा है ना, राइट, ऐसे ही बनाना होता है। चलो नोट डाउन करो जल्दी, कर लिए सभी लोग ना? नहीं सर, कर रहे सर। हाँ करो करो जल्दी करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इधर करते हैं और कोई दूसरा ग्रुप लेके आते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप ले लिया, सी ओ सी एल। इधर पुट करते हैं सी ओ आई, ठीक है, और इस पॉइंट पे हम लोग पुट कर लेते हैं एक ले लिया एस एच, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं कौन सा ले लिए, सी एच टू और सी एच टू। इधर लिख देते हैं ओ एच, ठीक है, काइल है ना, यहाँ पे दिस इज काइल कार्बन, इसका भी चेक करना है। चलिए बता सकते हैं क्या, चलो फाइंड करेंगे इसका कौन सा आएगा आंसर। हाँ देखो इधर इस पॉइंट पे जो गिवन था, एक एक करके हम लोग मूव करेंगे, तो सभी को अच्छा से पहले फॉर्मेट पे लिखते हैं। इस पॉइंट पे एस, उसके बाद एच, एस एच, सी ओ सी एल, सी डबल बॉन्डेड ओ, इधर कौन सा सी एल, यहाँ पे सी डबल बॉन्डेड ओ, आई सी ओ आई। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट अप करो, इस पॉइंट पे कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर लो एच एच, ठीक है। देखो समझने के लिए पूरा लिख के बनाया करो एच, राइट। अब इस चारों में बोलो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, हाँ बोलो कौन से ग्रुप का ज्यादा आ रहा है, जल्दी बोलो चारों में सबसे ज्यादा कौन सा, नहीं पता चल रहा है, SH, SH, वेरी गुड। तो अभी फर्स्ट आइटम चेक करना है, देखो सल्फर कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में सल्फर का ज्यादा, इसलिए सल्फर का प्रायोरिटी कौन सा, वन। अब इधर आ जाओ कार्बोनाइल ग्रुप में आ जाओ, इधर सीओ ग्रुप। अब देखो ध्यान से समझो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए। तो सीओ सीएल था एक बॉन्ड यहां से हटाया, ठीक है, डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड यहां से हटा दिए, एक नीचे ऑक्सीजन लगा दिया, इक्विवेलेंट का स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट। यहां पे भी एक इसको हटाया बॉन्ड को, इधर लगा देते ऑक्सीजन को, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, सिर्फ कंपेरिजन करने की बात कर रहे हैं। अब इस तीनों में देखो कार्बन 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 सेम है, नहीं डिसाइड कर सकते। अब इधर देखो यहां पे दो हाइड्रोजन आ गया, आया कि नहीं, कार्बन और कार्बन आ रहा है, इसका भी एटॉमिक नंबर यहां कहीं कम है, इधर ऑक्सीजन से आयोडीन है, बड़े बड़े एटम से है या नहीं, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बट यहां पे दो हाइड्रोजन से एक कार्बन है तो कम मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट में मत देख लेना कि बहुत सारा ग्रुप लगा हुआ है, तो पूरा मास नहीं देखना है, एक एक एटम देखना है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सबसे कम कौन सा पोजिशन है, फोर्थ पोजिशन। अब इस दोनों में आ जाओ, इस दोनों में कौन सा आएगा बोलो, सेकेंड नंबर कौन सा आएगा, आयोडीन का आएगा, वेरी गुड, क्योंकि इधर देखो दो ऑक्सीजन
इधर दो ऑप्शन कॉमन है, यहां से डिसाइडिंग फैक्टर है क्या? नहीं, आयोडीन की वजह से कौन सा सेकेंड और क्लोरीन की वजह से कौन सा थर्ड नंबर, राइट। अब चलो इसका हम लोग इधर फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। इधर पुट कर लो, ए ग्रुप आ गया, इधर हमने फोर्थ लिख दिया, इस पॉइंट पे वन, यहाँ पे टू, इस पॉइंट पे थ्री। फोर्थ कहाँ पे आ गया? लेफ्ट साइड पे। लाना कहाँ होगा? बॉटम पे। फोर्थ सेकेंड पोजिशन पे, सेकेंड थर्ड पोजिशन पे, थर्ड फोर्थ पोजिशन पे, वन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इसको एक हमने यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, तो ये जो ग्रुप आ गया फोर्थ बॉटम पे आ गया, टू थर्ड पोजिशन पे आ जाएगा, थर्ड कहाँ पे? फोर्थ पोजिशन पे आ जाएगा, और वन यहाँ पे रहेगा। तो बोलो रोटेशंस करेंगे, वन टू थ्री, वन से स्टार्ट करो, थ्री को मूव कर लो, फोर्थ का कोई मीनिंग नहीं है। कौन सा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्मेट होगा? आर फोर। तो करेक्ट आंसर इज आर फोर। यस और नो? समझ आ रहा ना? इसको अच्छे से समझ लिया करो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो सभी लोग अच्छे से। ओके गुड। चलो अब लोग एक इसमें और भी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पुट अप कर लेते हम लोग, और एक ऐसा ग्रुप लेके आते हैं, इधर हम लोग पुट कर दिया, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं? इधर पुट कर लेते हैं सी एच, ठीक है। कौन सा? सी एल, ठीक है। इधर पुट कर लेते हम लोग सी एच थ्री, इधर कौन सा लिख दिया? 14। इधर पुट कर लेते हम लोग हाइड्रोजन, इधर कौन सा ले लेते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक है। हाँ अब इसका निकालना है, निकाल सकते हैं क्या? चलो फाइंड आउट करते हैं कौन सा आना चाहिए।